लीजिए बढ़िया माँ आपकी चाय। जीती रहो बेटा, बुढ़ापा भी बड़ी अजीब चीज है, वक्त ही वक्त है इंसान के पास, बैठे बैठे भी परेशान हो जाता है कि वो करे तो क्या करे। बड़ी अम्मा आप क्यों परेशान होती हैं? बस यहाँ की सफाई रह गई है, ये कर लूं, इसके बाद आपके पास बैठकर ढेर सारी बातें करूं। रहने दो, सुबह से तुम यही कह रही हो, ना तुम्हारे काम खत्म होंगे ना तुम्हें बैठने का वक्त मिलेगा। फातिमा तुम अभी तक सफाइयों में लगी हुई हो, खाना कब बनाओगे? मुताहिर आने ही वाला होगा। वो खाना मैंने बना लिया, बस यहाँ की सफाई रह गई है। कब बनाया खाना? वाह भाई तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम हो, चुप छुपा के पता नहीं कैसे काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। मैं भी यही सोच रही थी साइमा कि अब तक नहीं आया, मुताहिर तो आ जाता है अब तक, जरा फोन करके मालूम तो करो। अम्मा जी मैं भी बहुत परेशान हो गई, कब से फोन कर रही हूँ फोन ही नहीं उठा रहा। पप्पू वो मुताहिर आज थोड़ा लेट हो जाएंगे, देख ले इसको बता दिया है, मुझे बताना गवारा नहीं किया, मैं माँ हूँ परेशान हो रही हूँ। नहीं पप्पू उन्होंने कहा था कि मैं आपको बता दूँ, वो खाना बनाने के चक्कर में मैं आपको बताना भूल गई। बड़ी तेज हो तुम। मुताहिर का फोन है। हेलो मुताहिर बेटे कहाँ रह गए हो, बाहर क्या कर रहे हो? या अल्लाह अच्छा आ रहे हैं। अम्मा जी मुताहिर कह रहे हैं बाहर आ जाए। या अल्लाह खैर, या अल्लाह रहम, ये माँ क्यों हो गया? मुताहिर बेटे सब खैरियत है ना? हाँ मम्मी सब ठीक है आपके सामने। मगर तुमने फोन किया क्या? ये गाड़ी किसकी है? ये मम्मी आपके बेटे की। ऑफिस की तरफ से मुझे गाड़ी मिली, मेरी प्रमोशन हो गई है। माशाल्लाह अम्मा जी खुदा ने हमारी सुन ली। अच्छा चलिए ना अब सबको ड्राइव पे लेकर चलता हूँ। आओ फिर मुताहिर के साथ आगे बैठ जाए, मैं बड़ी अम्मा के साथ पीछे बैठ जाऊं। मुताहिर मैं चादर लेकर आती हूँ। अरे छोड़ो चादर को, गाड़ी में तो बैठना है। अम्मी आइए आप। अनीका प्लीज इस तरह के कपड़े मत पहना करो। थोड़े ढंग के कपड़े पहना करो, और वैसे भी इस्लाम हुक्म देते हैं औरत को कि वो अपने आप को कवर करे ताकि दूसरों की बुरी नजर ना पड़े उसको। ख्याल रखो इस बात का। जल्दी आ गए तुम लोग, कैसी रही तुम्हारी पार्टी बेटा? ये उमेर कितनी अजीब बातें करने लगा है। उमेर क्या कहा उसने बेटा? कहता है कि ठीक कपड़े पहना कर, खुद को कवर करके रखा कर।
लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उमेर किसकी जुबान बोल रहा है। तुम्हारी ताई जान? नहीं, फातिमा की। आज से पहले भी मैंने ऐसे कपड़े कई बार पहने, उसे कभी एतराज नहीं हुआ। फिर अब क्यों उसे एतराज होने लगा है? फातिमा को शुरू से मेरे कपड़ों पर एतराज होता था। उसने ढके छुपे लफ्जों में मुझसे कहने की कोशिश की, लेकिन उमेर क्या तो कहलवा रहे? तुम गलत सोच रही हो अनिका। फातिमा का उमेर से कोई रिश्ता नहीं है, उमेर का रिलेशन तुमसे है। अब फातिमा ऐसा क्यों करेगी? तुम्हें गलत फहमी हो रही है। जो कुछ भी है बताएं, क्या बुराई है इसके अंदर? अच्छी नहीं लग रही क्या मैं? देखो अनिका, पहले की बात और थी बेटा। उमेर सिर्फ तुम्हारा कजन था, तो वो तुम पे रोक टोक नहीं करता था। अब तुम्हारा उससे रिलेशन बदल चुका है, तो हो सकता है वो इसलिए तुम्हें सारी बातें कहता हो, तुम फातिमा के लिए बदगुमान ना हो। पहले उमेर को तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ज्यादा फातिमा को नहीं जानते। वो जितनी मासूम नजर आती है ना, वो इतनी मासूम है नहीं। Come on, Anika. तुम फातिमा के बारे में इतना क्यों सोच रही हो बेटा? यही तो प्रॉब्लम है। फातिमा मेरे और उमेर के दरमियान ना होने के बाद भी हमारे बीच में है। इसे भी सोचना पड़ता है। फिर मैं भाभी जान को जाकर कह देती कहने का ये मंगनी नहीं करना चाहती। मेरी बात सुन, मैं ये मंगनी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं फातिमा को छोड़ूंगी नहीं। याद रखिएगा, मां मेरे और उमेर के दरमियान ना होने के बाद भी हमारे बीच में है, इसे भी सोचना पड़ता है।
गाड़ी किसकी है? ये अम्मी आपके बेटे की। ऑफिस की तरफ से मुझे गाड़ी मिली, मेरी प्रमोशन हो गई है। माशाल्लाह अम्मा जी, खुदा ने हमारी सुन ली। अच्छा चलिए ना, आप सबको ड्राइव पे लेकर चलता हूँ। साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहा, रिश्ते को हाँ करने से पहले मैंने तुमसे पूछा नहीं था ना बेटा, इसलिए। बाबा जिस तरह के हालात में, उसमें एक मुताहिर ही है जिसने मुझे दिल और मोहब्बत से कबूल किया। मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मुताहिर जैसा शख्स मिल रहा है। मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए, फूल ही फूल हो, जो तुम चाहती हो वो मिले तुम्हें। अगर आपकी दुआएं इसी तरह मेरे साथ रहेंगी तो मैं हमेशा खुश रहूंगी। इंशाल्लाह। आमीन। इंशाल्लाह मेरी बच्ची। तुम्हारी जिंदगी फूलों की तरह गुजरे, तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी, खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो। मुताहिर बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, और अल्लाह तुम्हें बरतना नसीब करे। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, इतना रश क्यों लगा हुआ है भाई? अरे अनीका आओ देखो, माशाल्लाह से मुताहिर को एक गाड़ी मिली है। अच्छा अब तुम ड्राइवर भी बन गए हो? मतलब अपने बॉस की गाड़ी चलाओगे? वैसे अच्छा है, पार्ट टाइम अच्छे पैसे मिल जाएंगे, नहीं? अनिका तुम गलत समझ रही हो, ये तो मुताहिर की प्रमोशन हुई है तो इसको गाड़ी मिली है, इसके अपने इस्तेमाल के लिए। अनिका कभी किसी के बारे में अच्छा भी सोच लिया कर। अरे 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 एक सेकंड, मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ, मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया, तुमने तो बुरा मान लिया यार। वैसे भाई बहुत बहुत मुबारक, गाड़ी इतनी खास नहीं है, तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है ना? ठीक कह रही हो, मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मेरे शौहर की मेहनत का सिला है। नहीं ऐसी बात नहीं है अनिका, आज मेरे पास जो कुछ भी है फातिमा की दुआओं और अल्लाह पर तवक्कल का नतीजा है। जानती हो अनिका, फातिमा मुझसे हमेशा कहती है कि आपके पास जो भी है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। अभी आपका रब आपको और नवाजता है। और फातिमा, तुम्हारे इसी यकीन की वजह से मेरी तरक्की है। जानते हो मोबान, अगर आपको नेक बीवी मिल जाए ना तो वो भी खुदा की बहुत बड़ी नेमत होती है। अब आप मुझे ही देख लीजिए,
खुदा ने हमें किस किस आजमाइश से नहीं गुजारी, कैसे हालात आए हम पर मैं जानता हूं, लेकिन मेरी बीवी इसने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। मैंने इसको जिस हाल में रखा उसे खुदा का शुक्र अदा किया। मैं वाकई में बहुत लकी इंसान हूं कि मुझे फातिमा जैसी बीवी। ताहिर बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फातिमा तुम्हारे लिए एक और भी सरप्राइज। ताहिर आपने ये कब लिया? ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था। सोचा तो था कि तुम्हें अकेले में दूंगा, लेकिन फिर सोचा कि सबके सामने दे। आखिर सबको पता चलना चाहिए ना कि तुम मेरे लिए क्या करी। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन। कोई आम सी गाड़ी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी मामूली सी गाड़ी के पीछे इतना खुश होने वाली कौन सी बात है। मतलब उसकी खुशी से ऐसा लग रहा था कि मुताहिर को कोई मर्सिडीज मिल गई है। ऐसे शुक्र ही के मुताहिर को कोई मर्सिडीज नहीं मिली, वरना बेचारी तो खुशी से पागल ही हो जाती ना।
दोनों को तो देखो, गाड़ी दिखाने के लिए घर उठा कर ले आए यार। वैसे फातिमा का कोई कसूर नहीं, क्योंकि उसने बचपन से ऐसी चीजें देखी जो नहीं है। क्योंकि चाचू को जब भी कहीं जाना हुआ करता था ना, वो हमसे ही लेकर जाया करते थे गाड़ी। कितनी अजीब है ना फातिमा। इसमें कोई अजीब बात नहीं, वो हमें अपना समझती है, खुशियां बांटने हमारे साथ आ जाती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन खुशी बांटने के लिए भी तो कोई ढंग की खुशी होनी जरूरी है ना। तुम्हें पता है, वो कल ही बड़ी मामा को फोन करके बता रही थी कि मुताहिर ने नया फ्रिज लिया है। शुक्र करो कि वो फ्रिज उठाकर हमारे घर नहीं ले आई। क्या किसी की खुशियों का इसका मजाक नहीं उड़ाते? अरे मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रही, मैं बिल्कुल सच बात बता रही। मुताहिर पता है फातिमा की इतनी तारीफें करता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और पता है क्या कह रहा था? कहता है कि मेरा प्रमोशन भी फातिमा की वजह से ही हुआ है। सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे फातिमा मुताहिर के बॉस के पास गई थी उसकी सिफारिश के लिए, है ना? फातिमा तारीफ के काबिल है। और मुताहिर ठीक करता है जब उसकी तारीफ करता है। मुताहिर बहुत खुशकिस्मत है कि उसे फातिमा जैसी बीवी मिली। और मैं भी राजी हूँ जो मेरी किस्मत है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम मुझसे मंगनी करके पछता रहे हो? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा? मतलब तो यही हुआ ना, मुताहिर फातिमा की इतनी तारीफें करते, मैंने तो कभी तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ नहीं सुनी। मुताहिर अपनी बीवी की तारीफ करता है, जब तुम मेरी बीवी बनोगी ना तो मैं भी तुम्हारी तारीफ करूंगा। खैर देर हो गई, मुझे नींद आ गई, तुम भी सो जाओ। तारीफ के काबिल और मुताहिर ठीक करता है जब उसकी तारीफ करता है। मुताहिर बहुत खुशकिस्मत है कि उसे फातिमा जैसी बीवी मिली। गलत सोच रही हो अनिका, फातिमा का उमेर से कोई रिश्ता नहीं है, उमेर का रिलेशन तुमसे है। अब
अनिका ऐसा क्यों करेगी? तुम्हें गलत फहमी हो रही है। जो कुछ भी है बताएं, क्या बुराई है इसके अंदर? अच्छी नहीं लग रही क्या मैं? देखो अनिका, पहले की बात और थी बेटा। उमेर सिर्फ तुम्हारा कजिन था तो वो तुम पे रोक टोक नहीं करता था। अब तुम्हारा उससे रिलेशन बदल चुका है तो हो सकता है वो इसलिए तुम्हें सारी बातें कहता हूँ। तुम फातिमा के लिए बदगुमान ना हो। पहले उमेर को तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ज्यादा आप फातिमा को नहीं जानते। वो जितनी मासूम नजर आती है वो इतनी मासूम है नहीं। तुम फातिमा के बारे में इतना क्यों सोच रही हो बेटा? फातिमा, किस वक्त की नमाज पढ़ रही हो? ईशा की नमाज तो तुम पढ़ कर गई थी। शुक्राने के नफिल अदा कर रही थी, आप भी पढ़ लें। फातिमा, बाद में पढ़ लूंगा, अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है। पता है दो रकात शुक्राने के नफिल ही तो अदा करने हैं, कौन सा वक्त लगेगा? जब अल्लाह हमें नेमतें देता है तो उस पर हमारा शुक्र करने का हक और भी बढ़ जाता है। हमें अपने रब की नेमतों का हर पल शुक्र अदा करना चाहिए। जल्दी से उठें और नमाज पढ़ें। शाबाश। अभी पढ़नी लाजमी है क्या? बिल्कुल। इंसान बड़ा ही खुदगर्ज़ है, जब अल्लाह उस पर आजमाइश डालता है तो वो बड़े लंबे लंबे सजदे करता है, अल्लाह ताला के सामने रो रो कर दुआएं मांगता है, और जब अल्लाह उसे नेमतों से नवाजता है तो वो अल्लाह को ही भूल जाता है। और फिर उस पर ये दो सजदे भी भारी और मुश्किल लगते हैं। चलें आप वजू करें और नमाज पढ़ें। मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ, आप फ्रेश भी हो जाएंगे। उठे। अच्छा बाबा। भाई बहुत बहुत मुबारक, गाड़ी इतनी खास नहीं है मगर तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है अनिका, आज मेरे पास जो कुछ भी फातिमा की दुआओं और अल्लाह पर तवक्कल का नतीजा है। जानती हो अनिका, फातिमा मुझसे हमेशा कहती है कि आपके पास जो भी है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए।
तभी आपका रब आपको और नवाजता है। मैं वाकई में बहुत लकी इंसान हूं कि मुझे फातिमा जैसी भी। थैंक यू फातिमा। ताहिर आपने ये कब लिया? ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था। सोचा तो था कि तुम्हें अकेले में दूंगा, लेकिन फिर सोचा कि सबके सामने दे। आखिर सबको पता चलना चाहिए ना कि तुम मेरे लिए क्या कर। फातिमा तारीफ के काबिल। तारीफ ठीक करता है जब उसकी तारीफ करता है। मुताहिर बहुत खुशकिस्मत है कि उसे फातिमा जैसी बीवी मिली। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम मुझसे मंगनी करके पछता रहे हो? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा? मतलब तो यही हुआ ना, मुताहिर फातिमा की इतनी तारीफें करते हैं, मैंने तो कभी तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ नहीं सुनी। मुताहिर अपनी बीवी की तारीफ करता है, जब तुम मेरी बीवी बनोगी ना तो मैं भी तुम्हारी तारीफ करूंगा। अनीका, तुम अभी तक सोई नहीं बेटा? मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा दिखाओ मुझे, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं आप? मैं कोई बच्ची हूँ, छोटी बच्ची हूँ कोई, जो आप मुझे इस तरह ट्रीट करती हैं? बड़ी हो गई हूँ मैं, अगर बीमार होंगी ना तो खुद आकर बोलूंगी। हुआ क्या है, तुम इतने गुस्से में क्यों आखिर? पागल हो गई हूँ मैं, मेरा दिमाग खराब हो गया। अनीका, तुम मुझे बताओगी तो मुझे पता चलेगा ना। क्या ऐसा हो सकता है कि फातिमा फातिमा कभी इस घर में आए ही ना? ये क्या कह रही हो तुम अनीका? अब क्या किया है फातिमा ने, हुआ क्या है? मैं जब फातिमा को इस घर में देखती हूँ तो मेरे अंदर एक आग लगती है, गुस्सा आता है मुझे। उसकी आंखों से पता चलता है कि वो मुझे खुश देखना नहीं चाहती। मुझे कुछ पता हुआ क्या है? फातिमा तो आई भी थोड़ी सी देर के लिए थी, तुमसे कोई बात भी नहीं हुई। यही तो उसका जादू है कि वो सब कुछ कर भी देती है और किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर कुछ मैं कह दूं तो एक तूफान आ जाता है घर में, जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। अच्छा चलो ठीक है, तुम अभी जाकर आराम करो, हम सुबह इस टॉपिक पे बात करेंगे। मुझे नहीं सो ना, मुझे नींद आ रही। बेटा तुम सोने के लिए लेट होगी तो नींद आएगी ना। देखो वैसे भी तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो सब परेशान हो जाएंगे, कितना प्यार करते हैं ना सब तुमसे, अपनी माँ की तो तुम जान हो। झूठ मत बोला करें, कोई मेरे लिए परेशान नहीं होता। अनीका,